हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास एक पीसी है और हम उसको फॉर्मेट करने जा रहे थे अपनी बूटेबल पेन ड्राइव से। जब हमने बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट किया और इंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए डिस्क सिलेक्शन में गए हम, तो हमें एक एरर मैसेज शो हुआ, विंडोज सेटअप, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस हार्ड डिस्क स्पेस, द पार्टीशन कंटेंट्स वन और मोर डायनेमिक वॉल्यूम्स दैट आर नॉट सपोर्टेड फॉर इंस्टॉलेशन। और हम अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को जो है कम्प्लीट नहीं कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप विंडो इंस्टॉलिंग के समय जब आपको ऐसा कोई एरर मैसेज शो होता है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूं कि यह एरर मैसेज कैसे आता है। तो हमने अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया और इंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हम डिस्क सिलेक्शन में पहुंच गए हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं हमारी तीन जो हार्ड डिस्क पार्टीशन बने हुए हैं, उनमें एक सबसे पहला जो है वह सिस्टम रिजर्व है और दो जो हमारे पार्टीशन है डायनेमिक। हमें एरर मैसेज इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हमारा जो डिस्क पार्टीशन टाइप है वह डायनेमिक हो चुका है, हमको इसको प्राइमरी में कन्वर्ट करना होगा। प्राइमरी में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं यह एरर मैसेज कैसे शो होता है। तो हम किसी भी न्यू वॉल्यूम जो पार्टीशन 4 है हम इसको सिलेक्ट कर है, तो आपको एक एरर मैसेज यहाँ बॉटम में शो होता हुआ दिखाई देगा, विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 4 शोड। इसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो हमें इसकी डिटेल जो है वह शो हो जाएगी। तो देखिए जो डिटेल है हमारी वह लिख कर आ चुकी है यहाँ स्क्रीन पर, फेस हो रही है ड्रॉप डाउन मेनू में, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस हार्ड डिस्क, द पार्टीशन कंटेंट वन और मोर डायनेमिक वॉल्यूम दैट आर नॉट सपोर्टेड फॉर इंस्टॉलेशन। और यहाँ से हम आगे की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एरर को आज हम फिक्स करेंगे इस वीडियो में। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है स्विफ्ट और F10 बटन को, जिससे कि आपके पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ आपको सबसे पहला कमांड जो है लिखना है डिस्क पार्ट, लिखकर आप जैसे एंटर करेंगे आपके सामने दूसरा कमांड आपको टाइप करना है जो डिस्क पार्ट ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको लिखना है सेल डिस्क 0, जिससे कि हमारी डिस्क 0 है वह सिलेक्ट हो जाए। यहाँ हमें एक मैसेज भी मिल चुका है, डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, जिससे कि जितने भी हमारे पीसी में कनेक्टेड डिस्क ड्राइव है वो शो हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं डिस्क 0 ऑनलाइन 931 GB, जो कि हमारी 1 TB की हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है यहाँ पर, और हमारी जो डिस्क 0 है वह सेलेक्ट भी हो चुकी है। तो आप जब हमारी डिस्क 0 सेलेक्ट हो चुकी है तो हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए हम क्लीन फंक्शन को टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लीन कमांड टाइप करते हैं। तो क्लीन कमांड टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा है वह सारा डिलीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्लीन टाइप करते हैं। तो क्लीन टाइप हम जैसे करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ी देर में प्रोसेस होगा और हमारी जो हार्ड डिस्क है क्लीन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं डिस्क पार्ट क्लीनिंग द डिस्क। इसके बाद आपको जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपका जो विंडोज सेटअप है उसको एक बार रिफ्रेश कर देना। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे तीन पार्टीशन थे वो डिलीट हो चुके हैं, हमें एक ही ड्राइव दिख रही है, ड्राइव 0 अनलोकेटेड स्पेस। तो आपको यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल ड्राइव्स बना सकते हैं, हम यहाँ पर एक ही ड्राइव बना ले रहे हैं। तो न्यू पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने दो ड्राइव्स बनकर आ जाएंगी, एक जो है सिस्टम रिजर्व की बन जाएगी जो 549 MB की है और एक हमारी 931 GB की प्राइमरी पार्टीशन बन चुकी है। तो हम इसी में अपने विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो हम अपने प्राइमरी पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो इंस्टॉलिंग विंडोज प्रोसेस है वह शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने इस एरर को फिक्स किया आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।